मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइलिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ वो है बायो केयर का एलोवेरा जेल। ये जेल, रुकिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए डार्क ग्रीन कलर का है और इसका टेक्सचर थोड़ा स्टिकी है और ये बिल्कुल डार्क है। देखिए ये बिल्कुल डार्क कलर का है और ये थोड़ा स्टिकी है। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसे अपने हाथ पे निकाला है। ये चेहरे को मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से करता है, बट ये थोड़ा सा वक्त टाइम लेता है आपके फेस में अच्छे से सेट होने के लिए। तो आप इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से अपने फेस पे थोड़ा सा मसाज करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। ये अपने आप आपके चेहरे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर ये आपको ये बहुत अच्छा ग्लो देगा, बेस देगा आपके फेस पे। और आप इसको लगाने के बाद आपका चेहरा मॉइस्चराइज भी होगा और बहुत सॉफ्ट भी आपको फील होगा। आप इसको एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप जब एज ए प्राइमर इसको यूज़ करें तो इस एलोवेरा जेल में आप थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला लें, उसको अच्छे से मिला के फिर इसको पूरे चेहरे पे अप्लाई करें एज ए प्राइमर। और उसके बाद फिर आपको जो मेकअप जैसे यूज़ करना है, फाउंडेशन, कंसीलर, वो सब आप इसके बाद यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत सारे हैं। जिसके स्किन के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, पहला फर्स्ट तो ये है कि ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है बहुत अच्छे से, और सेकंड है ये एक्ने, पिंपल्स के मार्क्स रिमूव करता है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अचानक से करता है, धीरे धीरे आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप इसका असर देखेंगे अपने फेस पे। और अगर आपके चेहरे पे सनबर्न है या टैन है तो वो धीरे धीरे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो वो भी रिमूव करता है। और इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आपको कहीं स्ट्रेच मार्क्स के निशान हैं, मार्क्स पड़ जाते हैं अक्सर, तो आप अगर इसको रेगुलर धीरे अच्छे से ऐसे मसाज करते हुए अपने स्ट्रेच मार्क्स पे लगाते हैं तो धीरे धीरे ये वो मार्क्स भी रिमूव करता है। बट उसके लिए आपको ये रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। और ये बायो केयर का 500 ग्राम है और ये आपको इजीली अमेजोन पे ही मिल जाएगा। अमेजोन पे ये 299-235 ऐसे है, आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। और ये इतने बड़ा बॉटल है बट इसका रेट रीज़नेबल है, आप इसको आसानी से परचेस करके और यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन के लिए बहुत हेल्दी है और आप इसको एलोवेरा जेल में विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके और अपने फेस पे अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ के फिर फेस वॉश कर लीजिए। इससे भी आपके फेस पे धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। और एलोवेरा जेल, अच्छा आप ये एलोवेरा जेल अपने पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने से आपकी पूरी बॉडी भी बहुत स्मूथ होती है। तो आप इसको चाहे तो पूरे बॉडी पे भी यूज़ कर सकते। फिट हेयर के लिए भी बहुत सारे हैं जिसमें से ये हेयर के ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। आप इसको एक चम्मच लेके उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ड्रॉप कोई भी आप इसमें डाल के उसको अच्छे से मिला के फिर अपने पूरे बाल में धीरे धीरे मसाज करते हुए लगाएं और आधे घंटा छोड़ दें, उसके बाद आप इसको वॉश कर लें तो ये आपके ग्रोथ में भी आपके बहुत हेल्प करेगा और आपके बाल को ही बहुत स्मूथ करेगा। और सेकंड जो है ये डैंड्रफ भी रिमूव करता है। अगर आप इसको बाल के स्कल्प पे लगाते हो और उसके बाद आधे घंटे छोड़ देंगे तो उसके बाद ये आपके डैंड्रफ को भी रिमूव करता है। अगर आप इसको वीकली 3 बार यूज़ करेंगे तो आपका डैंड्रफ धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। और थर्ड वो है, ये आपके बाल को कंडीशनिंग करता है। आप इसको शैम्पू के बाद अगर आप यूज़ करके बाल वॉश कर लेते हैं तो बिल्कुल एज ए कंडीशनर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक बॉटल लेते हैं एलोवेरा जेल के तो आप इसको अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, अपने हेयर पे, ये हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट में आपके फुल बॉडी के लिए ये बहुत यूज़फुल है। आप इसको किसी भी तरह यूज़ कीजिए, चाहे बालों के लिए, चाहे अपने फेस के लिए, चाहे अपनी बॉडी के लिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और ये हर कंपनी का आता है बट बायो केयर मुझे पसंद है, मैं यूज़ करती हूँ और इसकी स्मेल भी अच्छी है। मैं इसको यूज़ करती हूँ इसकी स्मेल भी अच्छी है। तो आप भी इसको लें और यूज़ करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। हाँ, एलोवेरा जेल कभी भी बाल पे डायरेक्ट ना लगाएं, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ मिला के लगाएं। चाहे तो आप ऑयल मिला लीजिए या फिर आप विटामिन ई मिला लीजिए, कुछ नहीं तो आप रोज़ वाटर ही मिला लीजिए। मिला के उसके बाद आप अपने बालों पर अप्लाई करें, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपके बाल बहुत ड्राई हो जाएंगे। और अगर आप इसमें कुछ मिक्स करते हैं तो आपके बाल स्मूथ भी होंगे, सिल्की भी होंगे और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी आपके बाल की। तो आप इसको सन बर्न को भी रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपका जहाँ फेस जो इफेक्टेड है
आप उस एरिया में इसको धीरे से मसाज करते हुए लगाएं और उसके बाद 5 मिनट छोड़ दें। 5 मिनट के बाद इसको वॉश कर लें। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो सनबर्न, एक्ने या पिंपल्स के जो भी मार्क्स हैं वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएंगे। एक्ने के मार्क्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इसके लिए आप ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाएं और थोड़ा सा रोज़ वाटर मिलाएं। रोज़ वाटर इसलिए ताकि इसका टेक्स्चर ऐसे फेस पैक की तरह बन जाए। और उसके बाद इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करें। आप चाहे तो जहाँ आपको पिंपल या एक्ने के निशान है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पूरे फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसको 5-10 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें। इसको वीकली 3 बार करें तो इससे आपके चेहरे पे जो भी निशान है या फिर सनबर्न सब वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा। तो आप इसको एज ए फेस पैक भी जरूर करें। आप भी इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।